कन्या राशि वालों का आज का राशि फल यानी कि 22 दिसंबर का राशि फल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिंह कन्या स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आपके आज के इस वीडियो के बारे में। तो मित्रों, वीडियो को आप पूरा देखें, एस्कीप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज का उपाय भी है, जिस उपाय को फॉलो करके आप दिन को बेहतर बना सकते हो। तो पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं। आज तिथि है एकादशी, नक्षत्र है स्वाति, पक्ष है कृष्ण पक्ष और दिन है रविवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:09 में और सूर्यास्त है 5:29 में। अभी ऋतु है हेमंत और आज चंद्रोदय होगा अगले दिन 4:00 AM में और चंद्रास्त होगा 2:35 PM में। आज आपके लिए शुभ समय है 11:58 से 12:40 के बीच में और अशुभ काल है 4:06 से 4:47 तक। और आज का दिन होगा 10:19:18 का और दिशा शूल है आज पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला है आपका व्यवसाय। व्यवसाय के लिहाज से दिन आपका सामान्य है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आपके कामकाज में आज से पहले कुछ दिक्कतें आ रही थी, आपका कामकाज सही से पूरा नहीं हो रहा था, कामकाज में आप सकारात्मक नहीं थे, तो आज का दिन कल के मुकाबले बेहतर होगा। अपने कामकाज में आज आप आगे बढ़ेंगे और फायदा होगा, लेकिन वो फायदा सामान्य तौर पे होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है। इसके बाद है आपका आज का प्रेम संबंध, जो कि सामान्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी कि अच्छा नहीं है। प्यार में आज थोड़ी निराशा आपको हाथ लगेगी, जो आपको हतोत्साहित यानी कि डिमोटिवेट कर सकता है, प्रेम संबंध को खराब कर सकता है। अगर ऐसा माहौल बन रहा हो, आपके प्रेमी के साथ आपका नोक झोंक हो रहा हो, तो आप ही कंट्रोल कर ले खुद पे और माहौल को बेहतर करने का प्रयास करें, ताकि आपका प्रेम संबंध खराब ना हो सके। इसके बाद है आपका पारिवारिक जीवन, जो कि सामान्य है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसे आप नहीं मानेंगे। आज आपके घर में कामकाज बहुत रहेगा और अगर घर का कुछ समय से टलता हुआ कामकाज आज आप पूरा नहीं करते हैं, तो आपका पारिवारिक जीवन तनाव में आ जाएगा। इसलिए घर में जो भी कामकाज हो, घर की जो भी जिम्मेदारियां हो, उन जिम्मेदारियों को आप निभाएं। अगर निभा लेते हैं तो दिन बेहतर हो जाएगा, बाधाएं आपके पास नहीं आएंगी। दोस्तों, आगे हम और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे को ऑल पे ऑन कर दें और वीडियो को आप हर जगह फैला दें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ज़्यादा बेहतर नहीं है, ये आज खराब रह सकता है। अगर अपने खान पान पर आप कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, आप ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसके बाद आता है आपका धन संपत्ति। धन के लिहाज से आपका दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, शानदार है। भाई बहनों के हेल्प से आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा, धन के रूप में आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, आपका आर्थिक हालात आज मजबूत होगा। अगर आप धन का निवेश करते हैं तो निवेश करें, लेकिन सावधानी से, चालाकी से निवेश करें, ताकि धन आपका वहाँ बर्बाद ना हो जाए। इसके बाद है आपका वैवाहिक जीवन, जो कि अच्छा आज नहीं रहने वाला है। मुमकिन है कि वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर आपका जीवन साथी आज आपके ऊपर फूट पड़े और आप दोनों में थोड़ा सा गुस्सा आज हो जाए। तो अब जानते हैं आपके आज के उपाय के बारे में। आज आप स्नान करने वक्त
जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला दें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका आज का दिन बेहतर होगा, बाधाएं आपके पास नहीं आने वाली है। तो मित्रों, हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय सियाराम।